आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के थर्ड चैप्टर जो मेरा पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसके बारे में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स कवर करनी है इसमें उसमें है मेरा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की नीड क्या है, मीन्स दैट हम मेडिकामेंट्स को स्टोर करने के लिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मदद क्यों लेते हैं। उसके बाद कंटेनर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स दैट गुड कंटेनर जिसमें हम मेडिकामेंट्स को स्टोर करेंगे उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। फर्दर कंटेनर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर्स, वैसे ही और भी बहुत सारे कंटेनर्स के टाइप होते हैं, एयर टाइट, एयर क्लोज कंटेनर, ऐसे ही। तो हम आगे जानते हैं कि हमको फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। आफ्टर द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट नो मेडिकामेंट्स इज डिटोरिएटेड। जब ड्रग मैन्युफैक्चर होती है तो उसको स्टोर करने का मेन पर्पस यही होता है कि वहां से मेडिकामेंट्स, कोई भी मेडिकामेंट्स वहां से डिटोरिएट ना हो। इसलिए क्योंकि अगर मेडिकामेंट्स डिटोरिएट होगा तो धीरे धीरे वहां, मीन्स दैट उस ड्रग में कोई, मीन्स दैट जो मेरा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होगा उसमें मेडिकामेंट्स नहीं बचेगा, फर्दर उस यूज का कोई फायदा नहीं होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग स्टोरेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज पैकेजिंग। जो स्टेबिलिटी ड्रग्स का होता है स्टोरेज कंडीशन में, वो बहुत सारे वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें जो मेरा मेन फैक्टर है वो पैकेजिंग है। इसमें बहुत सारे फैक्टर और भी आ जाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, फिर जो सराउंडिंग्स का किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन है वो सब भी आ जाएगा। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंटेनर एंड क्लोजर्स। जो मेरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है कंटेनर जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रखा गया हो, और क्लोजर्स जो उस कंटेनर को क्लोज, ऊपर से क्लोज करता हो या फिर जैसे भी क्लोज करता हो। इम्प्रॉपर पैकिंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स मे लीड टू डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। पुअर क्वालिटी का जो पैकेजिंग होता है, जैसे लो ग्रेड, मीन्स द लो क्वालिटी की कितने कंपनी ड्रग को बनाती है उसको पैक करती है, या फर्दर कंटेनर्स का पुअर क्वालिटी अगर रहती है वो प्रोडक्ट के डिटोरिएशन में एक रोल प्ले करती है। क्योंकि जब प्रॉपर क्वालिटी का मेरा कंटेनर्स नहीं रहेगा, फिर प्रॉपर क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं होगी, तो वहां पे जो मतलब प्रोडक्ट है वो एक तरह से कंटेनर्स और पैकेजिंग के साथ ही, मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल्स होगा, कंटेनर्स होगा, उसके साथ ही वो रिएक्शन करके वहां से फिर मेडिकामेंट्स को लॉस कर देगा। जैसे द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंटेनर्स एंड द क्लोजर्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो मेनली आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही रहता है एक कंप्लीट कंटेनर के साथ। वैसे कंडीशन में जो मेरा जो कंटेनर्स होना चाहिए और क्लोजर्स, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसमें, मीन्स दैट कंटेन कर रहा है वैसा कंटेनर, उस कंटेनर को वहां पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो उसमें है उसके साथ नॉन रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए। फर्दर वैसा कंटेनर नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग एंड इट मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को हम डिफाइन ऐसा डिवाइस के तौर पर कर सकते हैं जो ड्रग को आप, मीन द ड्रग कंटेन करता हो, या तो वो डायरेक्टली ड्रग के साथ कंटेक्ट में हो या फिर वो इनडायरेक्टली ड्रग के साथ कंटेक्ट में हो। इनडायरेक्टली ड्रग के साथ जो कंटेक्ट में होगा वैसा कंटेनर बहुत कम है, मीन्स दैट बहुत कम ही मेडिकामेंट्स या उसको हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कह सकते हैं जो इनडायरेक्टली फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के साथ कंटेक्ट में रहता है। नहीं तो मेनली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के कंटेक्ट में ही रहता है। अब हम बात करें सेकेंड टॉपिक, क्वालिटी ऑफ अ गुड कंटेनर।
तो क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर में सबसे फर्स्ट हम क्वालिटी देखेंगे गुड कंटेनर का. कंटेनर शुड बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स विच कैन विदस्टैंड वियर एंड टियर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग. एक नॉर्मल हैंडलिंग के तौर पे कंटेनर को ऐसा एबिलिटी रहना चाहिए जो वियर एंड टियर को विदस्टैंड कर सके. अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो डिस्पेंस होने के बाद ही हम देखें तो अगर पेशेंट के पास कोई सिरप का बोतल आती है, मीन्स दैट ग्लास सिरप का बोतल आती है, अब उस सिरप के बोतल के पास वियर एंड टियर मीन्स दैट पुअर क्वालिटी ऑफ वो ग्लास बोतल कंटेनर बनाई जा गई है, उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है विदस्टैंड मीन्स दैट वियर एंड टियर को मीन्स दैट विदस्टैंड करने का, मीन्स मतलब बर्दाश्त करने का. और एक नॉर्मल यूजर्स के तौर पे एक पेशेंट उसको यूज करता है धोखा से, मीन्स दैट हल्का भी ऊंचा से नीचे गिरा तो वो वहां पे थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो टूट गया. तो ऐसे कंटेनर्स गुड क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स में नहीं आएगा. फर्दर कंटेनर मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली इलिगेंट अपीयरेंस. कंटेनर को फार्मास्यूटिकली इलिगेंट अपीयरेंस का होना चाहिए. मीन्स दैट कोई पेशेंट अगर सिरप यूज करना है उसको, अगर वो सिरप यूज कर रहा है वैसे में, या फिर और भी केसेज में जो मेरा कंटेनर होगा उसकी अपीयरेंस इलिगेंट होनी चाहिए. मीन्स दैट को अट्रैक्टिव टाइप की होनी चाहिए, पेशेंट उसको देखकर मीन्स दैट डरे नहीं और मीन्स दैट इजिली वो एलिगेंट अपीयरेंस का होगा तो वो इजिली वहां से टेक ओवर कर लेगा मेडिसिन को. फॉर द डिजाइन इन सच अ मैनर दैट डोज कैन ड्रॉन इजिली. अब एक केस इस कंडीशन में हम देखें तो ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन जो एक तौर पे ड्रॉप में आती है तो वहां पे एक स्मॉल होल रहती है जिससे जो मेडिकामेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में वहां ड्रॉप के तौर पे यूज होती है तो वहां पे वैसा कंटेनर यूज होता है. फर्दर सिरप में होल जो रहती है वो बड़ी रहती है जहां से हम 10 ml 15 ml जितना यूज करना रहता है उतना हम इजिली निकाल लेते हैं. तो कंटेनर्स मस्ट बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट डोज कैन इजिली ड्रॉन. इट शुड बी न्यूट्रल टुवर्ड द स्टोर मटेरियल. पहले भी बताया कि वैसा कंटेनर कोई काम का ही नहीं है जो मेडिकामेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाए. तो गुड कंटेनर का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्टोर्ड मटेरियल जो मेरा स्टोर्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होगा उसके टुवर्ड्स न्यूट्रल रहेगा, वहां पे उसके साथ कोई रिएक्शन कंटेनर नहीं करेगा. इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. गुड कंटेनर का यह मेन क्वालिटी आती है कि वो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को मेंटेन करे जो मेरा एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही है, कभी ह्यूमिडिटी कम हो जा रही है, फिर मॉइस्चराइज मेरा एनवायरमेंट हो जा रहा है, फर्दर टेम्परेचर प्रेशर ये सब घट बढ़ होती रहती है, वहां पे मेरा जो कंटेनर हो वो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे. फर्दर हम क्वालिटी ऑफ कंटेनर में सिक्स्थ क्वालिटी के बारे में देखें तो मटेरियल फ्रॉम विच कंटेनर इज मेड मस्ट बी नॉन टॉक्सिक. नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए, फर्दर नॉन टॉक्सिक भी. मेरा जो कंटेनर है उस जो मटेरियल से बना है वो मटेरियल नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए. लेबल शुड बी डन इजली ऑन द कंटेनर. लेबल जो मीन्स दैट अब कंटेनर है तो उसमें दवा मैंने मीन्स दैट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन उसके अंदर रख दिया तो अब उस का लेबल भी उसके ऊपर चिपका होना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट लेबल हम ये नहीं पता है कि ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किस बीमारी में मतलब यूज हो रहा है या फिर डायग्नोसिस एजेंट जो उसमें है वो कौन सा एजेंट है. इट शुड विदस्टैंड प्रेशर एंड टेम्परेचर. मेरा जो कंटेनर होगा वो प्रेशर एंड टेम्परेचर को विदस्टैंड मीन्स बर्दाश्त कर सके. ऐसा नहीं कि थोड़ी टेम्परेचर बढ़ी या प्रेशर थोड़ी बढ़ी तो वो कंटेनर मेरा एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरा ग्लास कंटेनर हो वो वहां से फूट जाए. क्लोजर ऑफ द कंटेनर मस्ट बी इजिली रिमूवल और रिप्लेसेबल. जो कंटेनर कंप्लीट कंटेनर में मेरा
एक तो कंटेनर का पार्ट आ जाती है, उसके बाद क्लोजर का पार्ट आती है। क्लोजर का पार्ट मेनली आपको रबर की मिलेगी या फिर अल्मीनियम, मीन्स दैट आयरन ये सब की कम मिलती है, बट क्लोजर मेनली तौर पे रबर की ज्यादा मिलेगी। पर्दा मेरा जो कंटेनर पार्ट रहेगा वो या तो रबर का बनेगा, मीन्स दैट प्लास्टिक का बनेगा या फिर ग्लास का बनेगा। तो जो मेरा क्लोजर है वो इजिली रिमूवल और रिप्लेसेबल रहना चाहिए और वो टाइटली वहां पे फिक्स होनी चाहिए, जिससे मीन्स दैट एनवायरमेंट का अट्रैक्शन जो मेडिकामेंट से हो ना हो सके। अब कंप्लीट कंटेनर के बारे में हम देख ले, तो कंप्लीट कंटेनर मेरा आ जाएगा कंटेनर प्लस क्लोजर फॉर कंटेनर। तो मटेरियल फॉर कंटेनर में मेरा ग्लास एंड प्लास्टिक का होगा और क्लोजर मटेरियल में मेरा रबर का होगा। ये ग्लास एंड प्लास्टिक एज अ मटेरियल फॉर कंटेनर एंड रबर एज अ मटेरियल फॉर क्लोजर, ये हमें आगे पढ़ना है डिटेल में। पर्दा हम टाइप्स ऑफ कंटेनर के बारे में देखें, तो सबसे पहले हम सिंगल डोज कंटेनर के बारे में देखते हैं। तो सिंगल डोज कंटेनर्स आर दोज टाइप्स ऑफ कंटेनर विच आर यूज टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ मेडिकामेंट्स एंड होल्ड जनरली पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के तौर पे हम वैसा प्रोडक्ट्स जो मेनली इंजेक्शन के तौर पे यूज होता हो, जैसे एम्प्यूल्स। बहुत सारे एम्प्यूल्स को देखा होगा आप लोगों ने, जो सिंगल यूज रहती है वहां से जो इंजेक्शन देने वाले आते हैं वहां से अपनी मीन्स दैट एम्पुल से ड्रग निकालते हैं और उसके बाद उस एम्पुल्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सिंगल डोज कंटेनर, आपको सिंगल डोज कंटेनर के नाम से ही पता चल रहा होगा, एक डोज वाली कंटेनर। तो वैसी कंटेनर जो सिर्फ और सिर्फ एक डोज ऑफ मेडिकामेंट्स को कंटेन करे, और जनरली ये पेरेंटल प्रोडक्ट के तौर पे ही रहती है। अब मेरी मल्टी डोज कंटेनर्स, दीज कंटेनर्स होल्ड मोर देन वन डोज एंड आर यूज जनरली फॉर इंजेक्शन पर्पस। मल्टी डोज कंटेनर्स भी मीन्स दैट इंजेक्शन पर्पस के तौर पे ज्यादा यूज होता है। इसमें एक डोज से ज्यादा डोज सेम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का रहता है जिसको हम यूज करते हैं धीरे धीरे। दीज कंटेनर्स अलाउड द विथड्रॉल ऑफ डोज एट वेरियस इंटरवल्स विदाउट चेंज इन द स्ट्रेंथ क्वालिटी और प्यूरिटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मेनली तौर पे जो मेरा मल्टी डोज कंटेनर होता है, इसमें जो क्लोजर होता है वो रबर की रहती है, जिसमें कोई इंजेक्शन डालकर वहां से फिर ड्रग्स को निकाल मीन्स दैट वहां से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को निकालता है। फर्दर वहां पे इंजेक्शन का एक नीडल जो रहता है उसका उतना वहां पे होल बन नहीं पाता, फिर वहां से रबर उसको कंट्रैक्ट करते हैं उसको वहां से, फिर वहां पे कोई अंदर में स्ट्रेंथ क्वालिटी और प्यूरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। फर्दर मेरा लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स होती है, जो मेरा थर्ड टाइप ऑफ कंटेनर्स के तौर पे है। दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स प्रोटेक्ट्स द मेडिकामेंट्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। जो मेरा लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर है, वैसा कंटेनर जो मेडिकामेंट्स को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट से प्रोटेक्ट करता हो, और जनरली यूज टू स्टोर मेडिकामेंट्स विच आर फोटो सेंसिटिव। लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर वैसे मेडिकामेंट्स को स्टोर करता है जो फोटो सेंसिटिव हो। उसके बाद मेरी फोर्थ जो टाइप्स ऑफ कंटेनर में मेरा वेल क्लोज्ड कंटेनर। ए वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग स्टोरेज और सेल। जो मेरा वेल क्लोज्ड कंटेनर होती है वो प्रोटेक्ट करती है, जो मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है उसको लॉस होने से, लॉस कब होगा जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी हैंडलिंग होगी, हैंडलिंग में वी आर एन टी ए का ज्यादा डर रहता है, फिर स्टोरेज में अगर स्टोर सही जगह पे नहीं हो पा रहा है वैसे में वेल क्लोज कंटेनर, या फिर सेल के तौर पे भी अगर फार्मासिस्ट किसी पेशेंट को अगर कोई सिरप का बोतल ही बेच रहा है वहां पे अगर वो हल्की भी छूट जाती है तो वहां से टूट जाएगी, तो वहां पे अच्छे क्वालिटी की कंटेनर का मीन्स दैट वेल क्लोज्ड गुड क्वालिटी कंटेनर का वहां पे यूज होनी चाहिए। फर्दर एयर टाइट कंटेनर, दिस कंटेनर्स हैव एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग। एयर टाइट कंटेनर्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एयर टाइट है, मीन्स दैट वैसी कंटेनर जिसकी क्लोजिंग या फिर सीलिंग जिसको कह सकते हैं वो एयर टाइट हो।
जो मतलब एयर बाहर से उसके कंटेनर के अंदर ना जा सके. कंटेनर प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर एयर. उसके बाद हम देखें टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. दीज कंटेनर्स आर प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय लिक्विड्स सॉलिड और वेपर. ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इफॉर्विजेंस और इवेपोरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्टोरेज हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टाइटली क्लोज कंटेनर वैसा कंटेनर होता है जो कंटेंट को कंटामिनेशन बाय लिक्विड सॉलिड और वेपर से प्रोटेक्ट करता है. टाइटली क्लोज कंटेनर मेरे को प्रोटेक्शन देती है लॉस और डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इफॉर्विजेंस और इवेपोरेशन. जो मटेरियल की इफॉर्विजेंस को भी बचाता है फर्दर इवेपोरेशन को भी बचाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्टोरेज. मीन्स दैट अगर स्टोरेज कंडीशन मीन्स दैट वहां पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाती है तो वहां से इवेपोरेशन या इफॉर्विजेंस होने की संभावना रहती है. तो वैसे में जो मेरा टाइटली क्लोज्ड कंटेनर वहां से जो मीन्स दैट कंटेंट जो उसमें रहती है उसको डिटोरिएशन होने से बचाती है. फर्दर हैंडलिंग में भी डिटोरिएशन होने से बचाती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लॉस या डिटोरिएशन ऑफ द कंटेंट होने से बचाती है. ए टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग टाइटली रिक्लोज्ड आफ्टर यूज. टाइटली क्लोज्ड कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसको हम एक बार मीन्स दैट वहां से मेडिकामेंट्स हम निकाल लें फिर उसको हम रिक्लोज मीन्स दैट टाइटली उसको फिर से रिक्लोज कर दें. एग्जांपल के तौर पे मेरा गैस सिलेंडर. फर्दर टेम्पर इविडियंट कंटेनर्स. दीज कंटेनर्स आर फिटेड विद डिवाइस मैकेनिज्म दैट रिवील्स इरिवर्सिबली वेदर द कंटेनर हैज बीन ओपेंड. टेम्पर मीन्स दैट टेम्पर का मतलब जानते हैं. टेम्पर मतलब होती है वो निकाला और फिर से उसको बंद कर दिया. ऐसा बंद किया कि पता ना चले. बट टेम्पर का मतलब हो जाता है वहां पे पता चल जाती है. बहुत सारे जगह देखे होंगे दवा निकाल दिया जाता है उसको ऐसा क्लोज कर दिया जाता है कि हमें पता ना चले. तो जैसे आप टैबलेट के तौर पे देखे होंगे टेम्पर प्रूफ. मीन्स दैट वहां पे अगर निकलेगा तो वहां पे पता चल जाएगा. मीन्स दैट वो टेम्पर प्रूफ है. तो टेम्पर का मतलब हुआ कि अगर दवा कोई निकाल ले रहा है मीन्स दैट अगर फार्मास्यूटिकल मेडिकामेंट्स कोई निकाल ले रही है तो वहां से अगर टेम्पर प्रूफ रहेगा तो वहां से पता चल जाएगा. तो टेम्पर इविडियंट कंटेनर्स. दीज कंटेनर्स आर फिटेड विद डिवाइस मैकेनिज्म दैट रिवील्स इरिवर्सिबली वेदर द कंटेनर हैज बीन ओपेंड. टेम्पर इविडियंट कंटेनर का मतलब यही होता है कि वैसा कंटेनर एक डिवाइस या मैकेनिज्म के साथ फिट रहता है जो हमें अगर कंटेनर से कोई मेडिकामेंट्स मीन्स द कंटेंट निकला हो तो वो बताता है बाद में कि यहां से मेडिकामेंट्स निकला है और यहां से मीन्स दैट कंटेनर इससे पहले ओपन हुआ था. फर्दर मेरा एरिसोल कंटेनर. दीज कंटेनर्स आर यूज टू होल्ड एरोसोल प्रोडक्ट्स. एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू बियर द प्रेशर ऑफ एरोसोल पैकेजिंग. फर्दर इस लास्ट जो मेरा है एरोसोल कंटेनर. इस कंटेनर के बारे में लास्ट में हमें इसी चैप्टर के लास्ट में हमें अच्छे से पढ़ना है. तो एरोसोल कंटेनर्स एरोसोल प्रोडक्ट्स मीन दैट स्प्रे ये सब ज्यादा मेनली उसमें होता है. जैसे जेल देखे होंगे जो मीन दैट कंबीफ्लम जेल ये सब जो होती है जो चोट लग जाती है तो वहां पे यूज होता है. तो एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके साथ रहती है अंदर में जो एरोसोल पैकेजिंग के प्रेशर को बियर मीन्स दैट बर्दाश्त करता है. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे.